क्या आपने बारिश के मौसम में अरवी के पत्तों की करी खाई है? आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इसके लिए हमने उड़द की दाल लिया है और इसको हमने रात भर भिगो दिया था। ये छिलके वाली उड़द की दाल है, इसे भिगोकर धोने से इसका छिलका निकल जाएगा। ये एक कप उड़द की दाल है और ये आधा कप चने की भीगी हुई दाल है। दोनों हाथों से मलकर हमने दाल का छिलका निकाल लिया है। तो ये हमने अरवी के कुछ पत्ते लिए हैं। ये भीगी हुई दाल है जिसको हमने साफ कर लिया था, और ये चने की भीगी हुई दाल। और मसालों में हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, बड़ी इलायची और काली मिर्च लिया है। साथ ही हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और खटाई लिया है। साथ ही ज़ीरा, मेथी, हींग और नमक लिया है। इस खटाई को आम को सुखाकर और उसमें अचार के मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। आइए इन दोनों दालों को जीरा और हरी मिर्च के साथ पीस लेते हैं। चलिए अरवी के पत्तों को अब काट लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने सारे पत्तों को इसी तरह काट लिया है। तो आइए पिसी हुई दाल में हम हींग और नमक मिला देते हैं। और इनको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। इसे फेंट लिया है, अब इसमें अरवी के कटे हुए पत्ते मिला देंगे। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इस दाल और अरवी के पत्तों के मिक्सचर के बड़े बनाएंगे। चलिए पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं। इस तरह हाथों में पानी लगाकर गोल बड़े बना लेंगे। ये एक तरफ से सिक चुका है, इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए ये है ना शानदार।
ये दोनों तरफ से हो चुके हैं, अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी के बचे हुए बड़ों को भी हमने तल लिया है। अदरक लहसुन प्याज काली मिर्च और बड़ी इलायची का हम पेस्ट बना लेते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देते हैं। तो ऑयल गरम हो गया, इसमें मेथी और हींग डाल देते हैं। अब इसमें पिसे हुए मसालों को ऐड कर देते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद सूखे मसाले को भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम नमक भी ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं। एक चम्मच पिसी हुई दाल हमने बचा लिया था, उसमें पानी मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया है और इसको उसमें डाल देंगे। आइए इसमें खटाई को ऐड कर देते हैं। इसको एक उबाल आने तक ढककर पका लेते हैं। ये उबल चुका है तो इसमें हम बड़ों को डाल देते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट तक पका लेंगे। तो तैयार है अरवी के पत्तों की शानदार करी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।